सोलन शूलनी माता का मेला पूर्ण रूप से स्वीकार हो गया है। ये जानकारी शूलनी पीठम मंदिर के पुजारी लक्ष्मीकांत ने मीडिया को दी। शूलनी पीठम मंदिर में जहां माता शूलनी मेले के दौरान अपनी बहन से मिलने पहुंची थी, वहां उनके स्वागत में देर रात तक धार्मिक अनुष्ठान चलता रहा। वहीं पंडित के माध्यम से माता ने इस मेले को स्वीकार करने की बात कही। आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू के चलते इस बार सोलन शहरवासी इस मिलन के अलौकिक दृश्य को देख नहीं पाए, क्योंकि मंदिर में शहरवासियों के प्रवेश पर प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। शहरवासी माता के दर्शन नहीं कर पाए, इस बात का दुख तो बहुत है, लेकिन माता शूलनी का मिलन उनकी बहन से हुआ, इसको लेकर उनमें खुशी भी देखी गई। शूलनी पीठम मंदिर के पुजारी लक्ष्मीकांत ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के चलते माता शूलनी का मेला भव्यता के साथ आयोजित नहीं हो पाया, लेकिन सभी शहरवासी माता की सूक्ष्म यात्रा से भी बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि माता ने इस मेले को संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। इस मेले को सफल बनाने के लिए वे शहरवासियों जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेले को स्वीकार करने का अर्थ है कि माता शूलनी ने सोलन वासियों को आशीर्वाद दिया है कि जिसके चलते अब सोलन वासियों को कोई आपदा और विपदा छू नहीं पाएगी। भगवती का हर साल जो ये वार्षिक पर्व आता है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसकी भव्यता देखने लायक होती है, लेकिन इस साल इस वैश्विक महामारी के कारण जो वो भव्यता थी, जो अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल तमाशे, कुश्ती आदि और जो जगह जगह लंगर भंडारों का आयोजन होता था, वो इस साल नहीं हो पाया। प्रशासन का सहयोग करते हुए हम सब ने बहुत पहले से ही तमाम धर्म प्रेमियों से यह निवेदन किया था कि वे अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और प्रशासन जो इस महामारी से बचने के लिए जूझ रहा है उसका पूर्ण सहयोग करें। इसको देखते हुए सब भक्तों ने अपने अपने घर से भगवती के दर्शन और अपनी जो आस्था भगवती के प्रति प्रकट करनी थी वैसा किया। और इस मेले का यह भी नियम है कि शनिवार के दिन शाम को यहाँ पर मंदिर में भगवती के पीठ स्थान में ये फैसला होता है कि भगवती ने मेले को किस रूप में कबूल किया। तो इस बात मैं सब सोलन की जनता को बधाई देता हूँ कि भगवती ने इस मेले को पूर्ण स्वरूप में स्वीकार किया है, और जो हम सब जनता के लिए भगवती से प्रार्थना करते हैं कि सबके धन में खूब सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण रहने और सब स्वस्थ रहने, भगवती ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया है और मेले को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। इसलिए सब जनता को, प्रशासन को बहुत बधाई है। प्रशासन ने हमारी परंपरा को निभाने के लिए बहुत सहयोग किया, इसके लिए हम प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। और यह मेला भगवती की कृपा से अब पूर्ण रूप से भगवती द्वारा स्वीकार किया गया है, इसके लिए सब मातृ भगत और प्रशासन बधाई के पात्र हैं। सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, और प्रशासन इसी प्रकार इस बीमारी से लड़ने के लिए जुझारू रहे।